हेलो एस्पेरेंट्स, तो आज हम स्पेशल वोकैब्स में लिस्ट ऑफ कॉमन फोबियाज पढ़ने वाले हैं कि किन किन चीज़ों से हमें डर लगता है और उस डर को क्या कहा जाता है। ठीक है, 50+ वर्ड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इनके प्रोनंसिएशन पर ध्यान देंगे कि इनको प्रोनंस कैसे किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, देखो इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है एकोस्टिका फोबिया। क्या बोला जाता है? एकोस्टिका फोबिया। एकोस्टिका फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नॉइस, यानी अगर आपको किसी आवाज से डर लगता है तो उसको बोला जाता है एकोस्टिका फोबिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एकोस्टिक से याद रखेंगे, एकोस्टिक का मतलब होता है साउंड से। ठीक है, इस एकोस्टिक का क्या मतलब होता है? इस एकोस्टिक का मतलब होता है साउंड से। ठीक, और जैसे एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं कि एक एकॉस्टिक गिटार भी होता है और इलेक्ट्रिक गिटार होता है। इलेक्ट्रिक गिटार मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली वो चलता है। ठीक है ना? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लेकिन जो एकॉस्टिक गिटार होता है, जो आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एकोस्टिक से साउंड से रिलेटेड है। तो एकोस्टिका फोबिया किससे रिलेटेड होगा? कि आपको अगर नॉइज से फियर है, किसी भी आवाज़ से आपको डर लगता है, तो उसको बोला जाएगा एकोस्टिका फोबिया। ठीक है, आपको एग्जांपल दे दिया गया, एकोस्टिक गिटार होते हैं और उसके अपोजिट में होते हैं इलेक्ट्रिक गिटार्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया। दूसरा अगला इसको बोला जाता है एक्यूलोफोबिया। क्या बोला जाता है? एक्यूलोफोबिया। ठीक है, और इसका ही जैसा होता है, मतलब इसका सिनोनिम है, इसको बोला जाता है स्कोटोफोबिया। क्या बोला जाता है? स्कोटोफोबिया। इसको क्या बोला जाता है? पहले को एक्यूलोफोबिया और इसको बोला जाता है स्कोटोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो उसको बोला जाएगा एक्यूलोफोबिया और स्कोटोफोबिया। और आपको बता दें कि जो एक्यूलो है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डार्कनेस होता है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डार्कनेस होता है। थर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको बोला जाता है एक्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया। ठीक है, और फियर ऑफ हाइट्स। क्या बोला जाता है इसको? फियर ऑफ हाइट्स। अगर आपको हाइट्स से डर लगता है, ठीक है ना, ऊंचाइयों से डर लगता है, उसको बोला जाता है एक्रोफोबिया। ठीक, अच्छा, फोर्थ है एरोफोबिया। क्या बोला जाता है इसको? एरोफोबिया। और अगला है एवियोफोबिया। क्या बोला जाता है? एवियोफोबिया। इसको बोला जाता है फियर ऑफ फ्लाइंग। अगर आपको उड़ने से डर लगता है, उड़ने से यानी अगर फ्लाइट में जाने से डर लगता है, तो उसको एरोफोबिया या एवियोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इस एरो से हम लोग कैसे याद रखेंगे? इस एरो से ही क्या बनता है? एरोप्लेन बनता है, और एरोप्लेन उड़ता है, यानी आपको उड़ने से डर लगता है। और इस एविए से क्या बनता है? इस एविए से एविएशन बनता है, जिसको हम लोग उड्डयन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, जैसे सिविल एविएशन होता है ना, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी? नागरिक उड्डयन मंत्री, वो है हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इस एविएशन से आप क्या रखोगे याद? कि फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी आपको उड़ने से डर लगता है, फ्लाइट से डर लगता है। ठीक है, फिफ्थ इसको बोला जाता है एग्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन ओपन एंड क्राउडेड प्लेस। क्या आपको ओपन में या लोगों के बीच में होने से डर लगता है? ठीक है, किससे डर लगता है? लोगों के बीच में होने से डर लगता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है एग्रोफोबिया। समझ आ रहा है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान देंगे, इसीलिए उसको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है ना, अच्छा, सिक्स्थ है, इसको बोला जाता है एल्यूरोफोबिया। क्या बोला जाता है? एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ कैट्स। ठीक है, फियर ऑफ कैट्स को बोलते हैं एल्यूरोफोबिया। और इसके लिए दूसरा वर्ड आप याद रख सकते हैं, इसको बोला जाता है फेलिनोफोबिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? फेलिनोफोबिया। और एल्यूरोफोबिया इज इक्वल टू फियर ऑफ कैट्स। आपको बिल्लियों से डर लगता है, तो उसको बोला जाता है एल्यूरोफोबिया या फेलिनोफोबिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ है एल्गोफोबिया। क्या बोला जाता है इसको? एल्गोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ पेन। अगर आपको दर्द से डर लगता है, ठीक है ना, दर्द से भी डर लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एल्गोफोबिया।
ठीक है। जैसे हमने देखा है कि कुछ कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने से डर लग रहा था, यानी वो दर्द से डरते हैं, ठीक है। उनको क्या है, एल्गोफोबिया है, समझ आ रहा है, फियर ऑफ पेन है, ठीक हो गया। अगला है एट्थ, इसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का मतलब एंग्लो से समझते हो ना, कि इंग्लिश लोगों से आपको डर लगता है, इंग्लैंड से नफरत करते हैं, या इंग्लिश लोगों से आपको डर लगता है, तो उनको बोला जाएगा एंग्लोफोबिया, ठीक है। नाइन्थ है एपिफोबिया, क्या बोला जाएगा, एपिफोबिया, इसको मतलब होता है फियर ऑफ बीज, यानी आपको मधुमक्खियों से डर लगता है, ठीक है। और आपने इसके लिए वर्ड भी पढ़ा हुआ है एपेरी, APIARY, उसका मतलब होता है, एपेरी का मतलब होता है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक। अगला है एक्वाफोबिया, या दूसरा है हाइड्रोफोबिया। क्या है, एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, कि आपको पानी से डर लगता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक्वा से तो आप याद रख सकते हैं ना, एक्वाफिना, कि ये क्या आती है, पानी की बोतल आती है ना, ठीक। और हाइड्रो इससे बना है, हाइड्रो, हाइड्रा होता है ना, वो पानी में रहता है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया पानी से रिलेटेड है। एक्वा पानी की बोतल आती है। अगर आपने रन मूवी देखी है तो उसमें एक डायलॉग है, कि कौन सा डायलॉग है, कि चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिए, और वो पूछने जाता है शॉप में, तो बोलता है कि भैया एक्वाफिना है, तो बोलता है नहीं, अच्छा, तो बोलता है कि बिस्लरी है, तो लास्ट में बोला अच्छा पानी है, तो एक्वा का मतलब ही क्या है, पानी है, ठीक है ना। अच्छा, 10th समझ आ गया होगा पक्का, आगे बढ़े। 11th, अगला है इसको बोलते हैं एरकेनोफोबिया। क्या बोलते हैं, एरकेनोफोबिया, 11th वाला, ठीक है। एरकेनोफोबिया, इसका मतलब होता है आपको फियर ऑफ स्पाइडर्स है। फियर ऑफ स्पाइडर्स का मतलब है आपको किससे डर लगता है, आपको स्पाइडर्स से डर लगता है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अगला है देखो क्या, अरिथमोफोबिया, 12th वाला, अरिथमोफोबिया, ये दूसरा है न्यूमेरोफोबिया, ठीक है। अरिथमोफोबिया या न्यूमेरोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ नंबर्स होता है, यानी आपको नंबर्स से डर लगता है। देखो, नंबर्स से डर लगने का मतलब पता है क्या, समझो इसको, ये समझो कि इनको कैलकुलेशन से डर लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो क्या करते हैं, ज़्यादा हिसाब किताब करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम शॉप में गए, जितना का सामान दुकानदार ने दिया, जितने रुपए उन्होंने देने थे उतने दे दिए, वापस जितने देने थे दे दिए, हिसाब किताब करते ही नहीं है, तो उनको किससे डर है, उनको एरिथमोफोबिया है। एरिथम किस, इससे क्या बनता है आपका, एरिथमेटिक बनता है, ठीक है, एरिथमेटिक यानी गणित। और न्यूमेरो इससे आप याद रखेंगे आपका न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल यानी कैलकुलेशन, उनको कैलकुलेशन से डर लगता है, ठीक है। तो एरिथमोफोबिया और न्यूमेरोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ नंबर्स, आपको नंबर्स से डर लगता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन से डर लगता है। 12th समझ आया पक्का। अगला है देखो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एरहेनोफोबिया। क्या बोलेंगे, एरहेनोफोबिया। अगला है एंड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, एंड्रोफोबिया। अगला है होमिनोफोबिया। क्या बोलेंगे, होमिनोफोबिया, इसका मतलब है फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ मैन का मतलब अगर आपको पुरुषों से डर लगता है, ठीक है, अगर आपको पुरुषों से डर लगता है, तो आपको ये सब कुछ है, समझ आया, क्या क्या है, एरहेनोफोबिया है, दूसरा है एंड्रोफोबिया है, और तीसरा है होमिनोफोबिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको फियर ऑफ मैन है, पुरुषों से आपको डर लगता है, ठीक। 13 का समझ आया पक्का, ठीक। अगला है एस्ट्रोफोबिया, क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रोफोबिया। अगला है टोनेट्रोफोबिया, ठीक है। अगला है सेरियनोफोबिया। अगला है ब्रोनिटोफोबिया, ठीक है। क्या क्या है, एरेस्ट्रोफोबिया, टोनेट्रोफोबिया, सेरियनोफोबिया और ब्रुयंटोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ थंडर और लाइटनिंग, यानी आपको बिजली कड़कने से डर लगता है, बिजली चमकने से डर लगता है, ठीक है ना। हमने इसके लिए ईडियम यहाँ पे से याद कर सकते हैं, कि क्या था, आउट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी अचानक से कोई चीज होना, ठीक है, थंडर स्ट्रोम अचानक से होता है ना, तो उससे हमने याद किया था कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होना।
अच्छा, तो आपको अगर बिजली चमकने से डर लगता है, ठीक है, बादल के गरजने से डर लगता है, तो आपको क्या है, एस्ट्रोफोबिया है, आपको क्या है, टोनेट्रोफोबिया है, आपको क्या है, आपको सेरिनोफोबिया है, और आपको क्या है, ब्यूरंटोफोबिया है। ठीक है ना, समझ आया। आगे 15th अगला है, इसको बोलेंगे ऑटोमेशोफोबिया। क्या बोलेंगे, ऑटोमेशोफोबिया। ठीक है, 15 वाला ऑटोमेशोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग डर्टी। अगर किसी को ना, मतलब कोई चीज गंदा होने से डर लगता है, ठीक है ना, जैसे आपने किसी को देखा होगा ना जो बहुत साफ सफाई रखते हैं, तो यानी उनको अगर कोई चीज गंदी हो जाती है तो उनको डर लगने लगता है। ठीक, क्या है ये, ऑटोमेशोफोबिया। क्या बोलेंगे, ऑटोमेशोफोबिया। ठीक, 16 है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ अग्लीनेस। ठीक है, यानी किसी को बुरा दिखने से डर लगता है। ठीक है ना, अच्छा, किसको क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया। ठीक, 17 का मतलब है, इसको बोलेंगे कार्सिनोफोबिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्सिनोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ कैंसर। आपको कैंसर से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, कैंसर का जो डर है उसको बोला जाता है कार्सिनोफोबिया। ठीक है, अच्छा, अगला है 18th वाला है। ठीक है, 18th वाला, इसको बोलते हैं कैट पेट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे, कैट पेट्रोफोबिया। और अगला है स्पेक्ट्रोफोबिया। कैट पेट्रोफोबिया और स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मिरर्स, कि आपको आईने से डर लगता है। ठीक है ना, मिरर्स यानी जो शीशा होता है ना जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसको आपको उससे अगर डर लगता है तो उसको क्या बोला जाएगा, कैट पेट्रोफोबिया, और दूसरा स्पेक्ट्रोफोबिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर भी ध्यान देंगे। जैसे यहाँ से आपको बताया जा रहा है, आप उसको साथ में रिवाइज भी करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, 19th बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्रोमोफोबिया। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ कलर्स। ठीक है, आपको कलर से डर लगता है, और इसी के जैसा मिलता जुलता है, इसको बोलते हैं क्रोनोफोबिया। यहाँ पे एन है, बस ध्यान रखना। ठीक है, इस नो है और यहाँ पे मो है, तो क्रोमोफोबिया का मतलब तो क्या था, फियर ऑफ कलर्स था, और क्रोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ फ्यूचर, कि आपको भविष्य से डर लगता है, या क्रोनो से आप समझ सकते हैं कि आपको टाइम से डर लगता है। ठीक है ना, क्रोमो का क्या मतलब था, क्रोमो का मतलब था कलर्स, और 20 क्रोनो का क्या मतलब था, टाइम से रिलेटेड था। क्रोमोफोबिया है किसी को तो उसको रंगों से डर लगता है, कलर से डर लगता है, और अगर किसी को क्रोनोफोबिया है तो उसको टाइम से डर लगता है। ठीक हो गया, समझ आया पक्का। ठीक, 21st क्लस्ट्रोफोबिया। अब क्लस्ट्रोफोबिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेसेस, कि आपको छोटी जगहों से, नैरो जगहों से, संकरी जगहों से डर लगता है। जब बहुत पतली पतली गलियां जो होती है ना, उनमें जाने से अगर आपको डर लगता है तो आपको क्लस्ट्रोफोबिया है, समझ आया। ठीक, अगला है 22 साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया का मतलब होता है आप फियर ऑफ डॉग्स, कि आपको किन से डर लगता है, आपको डॉग्स से डर लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइनोफोबिया बोलेंगे। समझ आया ना, 22 तक पक्का। ठीक है, 23 डेमोफोबिया। क्या बोलते हैं इसे, डेमोफोबिया। अगला है इनोक्लोफोबिया। क्या बोलते हैं इसे, इनोक्लोफोबिया, इसको बोलेंगे डेमोफोबिया, इसको बोलेंगे इनोक्लोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड्स और मॉब्स। ठीक है ना, अच्छा, क्राउड से आपको डर लगता है, मॉब से आपको डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे, डेमोफोबिया या इनोक्लोफोबिया। और ध्यान दें कि ये जो क्राउड है ना और ये जो मॉव है, होने को अलग अलग टर्म है, लेकिन अब इसे इन्होंने में लिख दिया, कोई बात नहीं, पर हमें इस पर अंतर बताना चाहिए। ठीक है, क्राउड का मतलब सिंपल भीड़ होता है, भीड़ आपके मार्केट प्लेस में हो सकती है, आपके हॉस्पिटल में हो सकती है, बैंक में हो सकती है, उसको भीड़ बोलेंगे। लेकिन जो मॉब होती है ना, वो बहुत ही वायलेंट क्राउड है। ठीक है, आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग,
मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब बहुत ही वायलेंट लोग कोई वायलेंट एक्शन करते हैं, उसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग, ठीक है ना। अच्छा, तो उसको मॉब बोला जाता है। क्राउड का मतलब सिंपल क्राउड है, मार्केट में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, लेकिन मॉब जो लोग हैं वो बहुत वायलेंट है, भीड़, ठीक है ना। अच्छा, वो लोग हिंसा कर सकते हैं, उसको मॉब बोलेंगे, ठीक है। तो डेमोफोबिया और इनोक्लोफोबिया का क्या मतलब है कि आपको भीड़ में जाने से डर लगता है, ठीक। 24th, इलेक्ट्रोफोबिया। इलेक्ट्रोफोबिया किसे याद रखोगे, इलेक्ट्रो से याद रखो ना यार, इसको क्या मतलब होगा इसका, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपको बिजली से डर लगता है, ठीक है ना। आपको इससे डर लगता है, बिजली से डर लगता है। और इलेक्ट्रो से एक चीज और याद मैं आपको बता देता हूँ कि ना, क्या बोलते हैं, ये जो हीरो की साइकिल्स आती है ना, हीरो कंपनी की साइकिल्स आती है, उसने एक अभी इलेक्ट्रिक साइकिल निकाली है, पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हीरो लैक्ट्रो। क्या नाम है, हीरो लैक्ट्रो, उसमें ई नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रो का ई नहीं है, तो हीरो लैक्ट्रो वो एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। उससे भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोफोबिया है तो आपको क्या है, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपको बिजली से डर लगता है, ठीक है। 25th, इसको बोलते हैं इंटोमोफोबिया। क्या बोलते हैं, इंटोमोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बग्स और इंसेक्ट्स, कि आपको छोटे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटोमोफोबिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ से बताते हैं, इंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी, अगर इंटोमो तो एक लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके आगे मैं लॉजी लगा दूँ, LOG, ठीक है, वाई, तो इंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना, वो कहलाता है इंटोमोलॉजी, ठीक है। तो इंटोमोफोबिया यहाँ पर क्या होगा, सेम, कि आपको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, ठीक हो गया। 26th, गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है आपको शादी से डर लगता है, ठीक है, शादी से डर लगता है, और आपको कमिटमेंट से डर लगता है, ठीक है, आपको कोई भी वादे करने से डर लगता है या शादी से डर लगता है, उसको क्या बोला जाएगा, गैमोफोबिया। आपने यहीं से रिलेटेड वर्ड पढ़ा हुआ है, पॉलीगैमी, जिसकी एक से ज्यादा शादियां होती हैं, मोनोगैमी, जिसकी एक ही शादी होती है, ठीक है, उसको बोला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट 27, 27 है, इसको बोला जाएगा, देखो, इसको बोला जाएगा ग्लासोफोबिया। क्या बोला जाएगा, ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है आपको ना, देखो, पब्लिक स्पीकिंग से वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, उसको बोला जाता है एलोक्वेंट। क्या बोला जाता है, एलोक्वेंट, यानी अगर किसी को ग्लासोफोबिया है, यहाँ पर वर्ड समझेंगे कि वो पब्लिक स्पीकर नहीं है, वो 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने, यानी पब्लिक के सामने बोल ही नहीं सकता, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा, उसको ग्लासोफोबिया है, ठीक हो गया। ठीक, अगला है 28th, 28th है, ठीक है, 28th है, देखो, पहले 827 में मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो ग्लासो है ना, इसको, इससे एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी आपने सुना होगा, जैसे कोई बुक होती है उसके लास्ट में एक पेज दिया रहता है जिसमें पूरी बुक के जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग लिखी हुई रहती है, ठीक है, तो उसको ग्लॉसरी बोलेंगे। ग्लॉसरी का मतलब है कि शब्दार्थ, जिसे हम लोग कहते हैं ना, मीनिंग्स कहते हैं, तो अगर जिसके पास शब्द ही नहीं है तो वो बोलेगा क्या, ठीक है ना। पब्लिक स्पीकर होने के लिए तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिस पर आप बोल रहे हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं, जिसके पास ग्लॉसरी नहीं है, जिसके पास वोकैब नहीं है, वो पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता, तो उसको डर लगता है, इसीलिए उसको ग्लासोफोबिया बोला जाता है, समझ आ रहा है, ठीक। इसको अगला है 28th, इसको बोलते हैं गाइनेकोफोबिया। क्या बोलते हैं, गाइनेकोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन। हमने पहले पढ़ा था एंड्रोफोबिया, ठीक है, उसका मतलब था फियर ऑफ मैन, आपको पुरुषों से डर लगता है, लेकिन अगर आपको महिलाओं से डर लगता है तो आपको क्या है, गाइनेकोफोबिया है। क्या है, गाइनेकोफोबिया। और जैसे आपने सुना कि गायनेकोलॉजिस्ट होता है, तो वुमेन स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर्स, ठीक है ना। अच्छा, अगला है 29th, इसको बोला जाता है होमाटोफोबिया। क्या बोला जाता है, होमाटोफोबिया, इसको मतलब होता है फियर ऑफ सिनिंग। सिन क्या होता है, सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है, आपको पाप कर्मों से डर लगता है या आपको गलतियों से डर लगता है, तो उसको बोला जाता है होमाटोफोबिया।
फोबिया क्या बोला जाता है? हमाटोफोबिया। ठीक। अच्छा 30 वाला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखो इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, बहुत लंबा सा टर्म दिख रहा है, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना। तो इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, कि आपको जितना लंबा ये वर्ड है ना, देखो कितने, पता नहीं कितने अल्फाबेट्स इसमें हैं, 25-30, तो आपको लंबे वर्ड से डर लगता है। जैसे इंग्लिश में भी बहुत लंबे वर्ड आते हैं, तो आपको, आप उनको स्किप कर देते हो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, कि आपको लंबे जो वर्ड्स आते हैं उनसे डर लगता है, ठीक है, आप उनको पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है ना। 30 हो गया, समझ समझ आ गया। 31, ठीक है, 31 है एक थियोफोबिया, क्या बोलेंगे, ठीक है, एक थ्रोफोबिया। एक थ्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉक्टर्स, कि आपको डॉक्टर से डर लगता है, सॉरी माय फॉल्ट, इसको बोलेंगे आइट्रोफोबिया, क्या बोलेंगे, आइट्रोफोबिया। इसका मतलब होता है आपको डॉक्टर से डर लगता है, किससे डर लगता है, डॉक्टर्स के, ठीक है, कुछ लोग होते हैं डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, कि घर की दवाइयाँ खा के खुद से डॉक्टर बन के फार्मासिस्ट से दवाइयाँ ला के सही हो जाएंगे, तो वो किससे डरते हैं बेसिकली, वो डॉक्टर से डरते हैं, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि वो पैसे बचाना चाहते हैं, सिंपल। 32, इसको बोलते हैं एक थियोफोबिया, एक थियोफोबिया इसको बोलते हैं फियर ऑफ फिश, कि अगर आपको फिश से डर लगता है, मछलियों से डर लगता है, तो आपको क्या है, आपको एक थियोफोबिया है, ठीक हो गया। 32 इसको बोलेंगे आई फोबिया, क्या बोलेंगे, आई फोबिया। दूसरा होता है टॉक्सीफोबिया, ठीक है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ पॉइजन, कि आपको अगर जहर से डर लगता है, पॉइजन से डर लगता है, तो आपको क्या है, आपको आई फोबिया है, या दूसरी चीज़ क्या है, आपको है टॉक्सीफोबिया, ठीक हो गया। अच्छा आई फोबिया और टॉक्सीफोबिया आपको, ठीक, अच्छा ठीक। अब टॉक्सिक से आप याद रख सकते हैं ना, कि अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है तो वो कैसी है, वो चीज़ जहरीली है, वो चीज़ हानिकारक है, आपको उनसे डर लगता है, ठीक है। अच्छा 34th है, 34th को हम लोग बोलेंगे कैटसेरिडी फोबिया, क्या बोलेंगे, कैटसेरिडी फोबिया, इसको बोलेंगे फियर ऑफ कॉकरोच, कि आपको कॉकरोच से अगर डर लगता है तो उसको बोलेंगे कैटसेरिडी फोबिया, समझ आ रहा है पक्का। 34th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 35th, ठीक है, 35th आगे पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे लैलोफोबिया, क्या बोलेंगे, लैलोफोबिया। इसको क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होगा फियर ऑफ स्पीकिंग, कि आपको स्पीक ही नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते लोगों के सामने, उसको क्या बोलेंगे, लैलोफोबिया, ठीक। 36, 36 का क्या मतलब होगा, 36 को बोला जाता है लैपिडॉप्टर फोबिया, क्या बोला जाता है, लैपिडॉप्टर फोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बटरफ्लाइज, कि आपको ना किनसे, तितलियों से डर लगता है, तो आपको क्या है, लैपिडॉप्टर फोबिया है, ठीक है। अच्छा अगला है 37, 37 का मतलब होता है मीथोफोबिया, क्या होता है, मीथोफोबिया, और आपको है पोटोफोबिया। मीथोफोबिया और पोटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एल्कोहल, कि आपको ड्रिंक करने से, अल्कोहल पीने से डर लगता है, तो आपको क्या है, आपको मीथोफोबिया है पहला, या दूसरा पोटोफोबिया है। अब पोटो से आप क्या याद रखोगे, कि अगर कोई चीज़ पोर्टेबल है, पोर्टेबल है यानी वो पेय है, आपको पेय पदार्थों से डर लगता है, यानी आपको अल्कोहल से डर लगता है, और दूसरा है अगर कोई चीज़ एडेबल है तो कैसी है, एडेबल है तो यानी वो खाद्य है, ठीक है, आपको खाने से डर लगता है। तो मीथोफोबिया और पोटोफोबिया का क्या मतलब होगा, उनका मतलब होगा फियर ऑफ अल्कोहल, कि आपको अल्कोहल पीने से डर लगता है, ठीक है। अगला है माइक्रोफोबिया, अब माइक्रो तो आपको पता है कोई सबसे छोटी चीज, इससे माइक्रोस्कोप बना हमारा, ठीक है, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि आपको छोटी चीजों से डर लगता है, उसको बोलेंगे माइक्रोफोबिया, क्या बोलेंगे, माइक्रोफोबिया। अगला है मोनोफोबिया, मोनोफोबिया 39 है, इसका मतलब है फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है ना, ई भी आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ALONE, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि मोनोफोबिया का मतलब होता है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है, मोनो मतलब अकेले होता है ना, जैसे मोनोलॉग होता है, वो आप अकेले बोलते हो, उसका अपोजिट होता है डायलॉग, जो दो लोग साथ में बोलते हैं, ठीक है, मूवीज में बोलते हैं ना कि अच्छा तुम्हारा डायलॉग क्या है, तो यानी दो लोगों का बीच का कॉन्वर्सेशन होगा। मोनोलॉग यानी जो एक्टर खुद ही बातें करता रहता है, जैसे शीशे में देखकर कुछ बोल रहा है, तो क्या बोलेगा, मोनोलॉग बोलेगा, ठीक। 39 आपको समझ आ गया पक्का। आगे 40,
इसको बोलेंगे माइसोफोबिया, क्या बोलेंगे माइसोफोबिया। अगला है वर्मिनोफोबिया, ठीक है, कि पहला क्या था माइसोफोबिया, दूसरा क्या था वर्मिनोफोबिया, तीसरा क्या था जर्मोफोबिया, अगला क्या था बैसिलोफोबिया। माइसोफोबिया, वर्मिनोफोबिया, जर्मोफोबिया और अगला है बैसिलोफोबिया, इन सब का मतलब होता है फियर ऑफ जर्म्स, कि आपको क्या करना है, आपको जर्म से यानी कीटाणुओं से, ठीक है ना, यानी बैक्टीरिया से क्या करता है, डर लगता है, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, समझ आया। अगला 41, 41 होता है, देखो अगर किसी को जर्म से डर लगता है ना, तो वही किसी भी चीज़ की वो इंसान बहुत हाइजीनिक है, यानी वो बहुत साफ सफाई रखता है, तभी तो वो जर्म से डरेगा वो, ठीक है ना। अच्छा ये 41st है हमारा, इसको बोलते हैं नॉक्टिफोबिया, क्या बोलेंगे नॉक्टिफोबिया, ठीक है। अगला है इसको बोलेंगे निक्टोफोबिया, देखो नॉक्टिफोबिया और निक्टोफोबिया दोनों का मतलब क्या होगा, फियर ऑफ नाइट, यानी आपको रात से डर लगता है, ठीक हो गया। अच्छा अगला है 42, 42 को बोलेंगे ऑफ डायोफोबिया, क्या बोलेंगे ऑफ डायोफोबिया। ऑफ डायोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, कि आपको स्नेक से डर लगता है, आपको सांप से डर लगता है, उसको बोलेंगे ऑफ डायोफोबिया, ठीक। अगला है 43, 43 को बोलेंगे ऑनिथोफोबिया, क्या बोलेंगे ऑनिथोफोबिया, इसका मतलब होता है आपको बर्ड से यानी पक्षियों से डर लगता है, उसको बोलेंगे ऑनिथोफोबिया। ध्यान रखना इसमें आर साइलेंट है, आर को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ऑनिथोफोबिया, ठीक। अगला 44th है पैडियोफोबिया, देखो पैडियोफोबिया क्या होता है, कि अगर आपको डॉल से डर लगता है, ठीक है ना, जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना डॉल्स, उनसे अगर आपको डर लगता है उसको बोलेंगे पैडियोफोबिया, ठीक है। अच्छा जो हॉरर मूवी देखते हैं उनको पता है कि डॉल से भी डर लग सकता है, ठीक है ना। अच्छा 45th है, इसको बोलते हैं फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लाइट, आपको प्रकाश से डर लगता है, लाइट से डर लगता है, क्या मतलब होगा फोटो, ध्यान रखना कि देखो फोटो अच्छी आने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, कि आपको लाइट से डर लगता है, ठीक। अगला है पायरोफोबिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पायरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फायर, कि अगर आपको आग से डर लगता है तो आपको क्या है पायरोफोबिया है, ठीक है। अगला है टेंटोफोबिया, टेंटोफोबिया का मतलब होता है आपको फियर ऑफ डेथ, कि आपको मृत्यु से डर लगता है, टेंटोफोबिया, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, देखो कुछ लोग होते हैं जो एडवेंचरस गेम खेलते हैं या एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों फालतू की चीज़ें करनी है, क्यों बंजी जंपिंग करना है, क्यों राफ्टिंग करना है, ठीक है। तो उनके किससे डरते हैं, वो मरने से डरते हैं, फियर ऑफ डेथ, ठीक है ना, उसको बोलेंगे, ठीक। 48 है थियोफोबिया, थियोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ गॉड, कि भगवान से डरना, ठीक है, उसको बोलते हैं थियोफोबिया, या भगवान से डरते हो, जैसे कोई बुरा काम कर रहा है तो उसे बोलते हैं ना कि अच्छा हमसे नहीं डरता तो कम से कम भगवान से तो डर, तो यानी क्या होना चाहिए उसको, थियोफोबिया होना चाहिए, ठीक है। अगला 49th, इसको बोलेंगे थर्मोफोबिया, क्या बोलेंगे थर्मोफोबिया। अब थर्मो से क्या याद रखोगे, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है, वैसे ही समझो फियर ऑफ हीट, कि आपको गर्मी से डर लगता है, थर्मो से याद रखना, माई फॉल्ट, थर्मो से आपको याद रखना है कि ये क्या है, कि आपको हीट से डर लगता है, टेम्परेचर से डर लगता है, ठीक है। 50 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपने भी सुना है कि नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बोला जाता है ट्रिस काइडेको फोबिया, ट्रिस काइडेको फोबिया, मैं दोबारा बोल देता हूँ ट्रिस काइडेको फोबिया, ठीक है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ नंबर 13। आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, शायद सुना हो कि 13 नंबर जो होता है उसको अशुभ माना जाता है, जो भी नई बिल्डिंग्स वगैरह बनती है ना वहाँ पे 13 नंबर का रूम बनाया ही नहीं जाता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा ना फैक्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे ट्रिस्काइडेको फोबिया, तो इसका मतलब है आपको नंबर 13 से डर लगता है, ठीक है, यानी आपको 13 नंबर अशुभ लगता है, ठीक। 51, 51 को बोलेंगे ट्रिपोफोबिया, क्या बोलेंगे ट्रिपोफोबिया, ट्रिपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ होल्स, कि आपको होल्स से डर लगता है, ठीक, इसको बोलेंगे ट्रिपोफोबिया। अगला है जेनोफोबिया, क्या बोलेंगे इसको, बोलते हैं जेनोफोबिया, क्या
क्या बोलेंगे, ज़ेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि आपको अजनबियों से डर लगता है और आपको फॉरेनर्स से डर लगता है, ठीक है। अब ज़ेनोफोबिया का मतलब ये भी हो सकता है आपको फॉरेन लैंड से डर लगता है, यानी विदेशों से डर लगता है और विदेश के लोगों से भी डर लगता है। अब विदेशों से कैसे डर लगेगा, कि आपको विदेश जाने का मन ही नहीं करता, आपको स्वदेश से इतना प्यार है कि आप विदेश जाना ही नहीं चाहते, तो उसको बोलेंगे आपको क्या है, ज़ेनोफोबिया है, ठीक। अगला है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ एनिमल्स है, ठीक है ना, फियर ऑफ एनिमल्स यानी आपको एनिमल से डर लगता है। ज़ू वैसे भी याद रखो ना कि ज़ू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, तो आपको एनिमल्स से डर लगता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने 53 क्वेश्चन अभी कवर कर लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फोबिया से रिलेटेड थे, आई होप कि आपको समझ आए। और इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इसको प्रनंस कैसे करते हैं, प्रनंसिएशन पे विशेष ध्यान रखना है। और जैसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो सिमिलर लगते हैं, ठीक है, जैसे क्रोनोफोबिया, क्रोमोफोबिया, तो इनको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।